जीवन क्या है? हमारा ये जीवन महाजीवन का एक हिस्सा है। जैसे दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, एक सिलसिला है। कड़ियाँ जुड़ी हैं, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं, फिर माह हो जाता है, फिर माह बरस में बदल जाता है, बरस युग में बदल जाता है। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, जिसको हम क्या समझते हैं कि ये जन्म से शुरू होता है और मृत्यु में जाकर के इसका पूर्ण विराम लग जाता है, मगर ऐसा नहीं है। पूर्ण विराम नहीं लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कि एक विराम लग जाता है। जैसे सूरज उगा, शाम को ढल गया, लेकिन वो सूरज का अंत नहीं है। फिर रात बीतती है, फिर सूर्योदय होता है, फिर एक सिलसिला है जो चलता रहता है। तो ये एक मान्यता की बात है कि जन्म से आरंभ है जीवन का, और मृत्यु वर्तमान जीवन का अंत है। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व है, और उस समय हम कहाँ रहते हैं? आत्मलोक में रहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं, अर्थात कि हमारा अस्तित्व बना रहता है, अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। और फिर जन्म और मृत्यु के बीच, पालने से श्मशान के बीच, ऐसा मानते हैं कि यह हमारा जीवन है। तो एक सुविधा के लिए कह सकते हो कि जिसको हम जीवन कहते हैं, वो जन्म से मृत्यु के बीच का जो काल है, जो अवधि है, या पालने से श्मशान तक के बीच की जो अवधि है, उसको हम जीवन कहते हैं। तो एक तरह से ये महाजीवन के साथ हमारे जीवन का ऐसा संबंध है। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि जीवन क्या है। जीवन घटनाओं का जोड़ है। जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता है, कोई आत्मकथा लिखता है, तो क्या लिखता है? कब जन्म हुआ, एक घटना। कब स्कूल में गए, एक घटना। कब नौकरी लगी या व्यवसाय शुरू किया, एक घटना। कब शादी हुई, एक दुर्घटना। घटना भी कह सकते हो, लेकिन वास्तव में तो संत कहते हैं कि दुर्घटना ही है। और फिर कब मर गए, एक घटना। तो ये सारा जीवन घटनाओं का जोड़ है, जिसको हम जीवन कहते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जीवन जो है वह द्वंद्वात्मक है, ये परिवर्तनशील है, और इस जीवन में दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं। क्या? अनुकूल और प्रतिकूल। ये नदी की तरह है, जैसे नदी दो कुलों से बहती है, उसी तरह जीवन की नदी भी दो कुलों से बहती है, एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। यह द्वंद्वात्मक है, सुख है तो दुख है, जीत है तो हार है, सफलता है तो असफलता है, यश है तो अपयश है। इसलिए आरसी प्रसाद सिंह हिंदी के कवि हुए, कहते हैं जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। असली बात यह है कि जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, उसके परिणाम आते जाते हैं, कोई घटना अनुकूल हो जाती है, कोई घटना प्रतिकूल हो जाती है, और हर घटना एक अवसर है नया पाठ सीखने का। क्योंकि जैसे स्कूल में हम जाते थे, कोई कहानी शिक्षक कहता था और कहता था बच्चों इस कहानी से तुमने क्या सीखा, ऐसे ही परमात्मा हमारे जीवन में घटनाएं भेजता है। घटना एक कहानी की तरह समझ लेना, और फिर पूछता है हमसे कि इस घटना से तुमने क्या सीखा। अगर हमने सीखा तो फिर उसी तरह की घटना दोबारा हमारे जीवन में नहीं आती है, अगर नहीं सीखा तो फिर बार बार वैसी घटना फिर हमारे जीवन में आती रहती है। जैसे एक कहानी शिक्षक ने सुनाई, फिर पूछा क्या सीखा, बच्चों ने कह दिया हमने ये सीखा। अब वो कहानी वो शिक्षक दोहराएगा नहीं, अब कोई नई कहानी लेकर के आएगा। ऐसा ही कुछ विधान है कि हमारे जीवन में नए नए प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं और हमें सीख दे जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार की घटना हो, अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, असली बात यह है कि हर घटना हमारे जीवन में कुछ सीख देती है। जैसे ओशो कहते हैं,
कि जिस दिन तुम संबोधि को जानोगे उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ उसको होना ही चाहिए था। जो अनुकूल हुआ वह तो ज़रूरी था ही, जो प्रतिकूल हुआ वह भी ज़रूरी था, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था, जो स्तुति मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी, उसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। पश्चिम के जो दार्शनिक हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म उनका दर्शन है, अस्तित्ववाद उनका दर्शन है, और वे कहते हैं कि लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, कहते हैं कि जीवन एक रिक्तता का नाम है, इस जीवन का अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। और क्या करते हैं, इस जीवन में अर्थ देने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पूरब के दर्शन से ये सर्वाधिक भिन्न है। पश्चिम का दार्शनिक कहता है कि कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तुम दे सकते हो, कोई अर्थ नहीं है, अर्थ तुम दे सकते हो, लेकिन पूरब मानता है कि नहीं, जीवन एक अवसर है, जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए विभिन्न संतों की, पूरब के संतों की आओ दृष्टि जानते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है, और पूरब के संत, पूरब के दार्शनिक जीवन को किस रूप में देखते हैं। अब महर्षि जनक को ले लो, राजर्षि जनक को ले लो, पूछते हैं अपने गुरु अष्टावक्र से, जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, कुछ समझ में ना आता तमाशा ये क्यों, सारा चक्कर है क्या, हम जिए किस लिए। अब ये स्वाभाविक प्रश्न है, हम सबके मन में भी किसी न किसी समय यह प्रश्न उठता है जीवन के बारे में। तो उनके गुरु अष्टावक्र क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जनक, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं, अर्थात कामना से निष्कामना की यात्रा का नाम जो है जीवन है। ये जीवन इसलिए मिला कि ये काम से भरा है, कामनाओं से भरा है, लेकिन हम कैसे निष्काम की ओर चले। इसलिए कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं, मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझ कर विषय वासना को तजो। कहते हैं कि अगर निष्काम हो जाओ तो मुक्ति तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो जाती है। प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि यह जो जीवन है मोक्ष पाने का एक सुनहला अवसर है, और इसीलिए बार बार हम तब तक जीवन में यांत्रिक रूप से आते जाते हैं जब तक कि हम मोक्ष का पाठ नहीं सीख लेते। और मोक्ष क्या है, भीतर आनंदित हो जाना, बिना किसी निर्भरता के आनंदित हो जाना, ये स्थिति मोक्ष है। क्योंकि तुम सब जानते हो कि हमारे सुख का कुछ न कुछ आलंबन है, हमारे सुख का कुछ न कुछ उद्दीपन है, हमारे सुख का कोई न कोई बाहरी कारण है। तो तब तक ये चक्र चलता रहता है जब तक कि एक दिन हम नहीं जान लेते कि आनंद भीतर है, आनंद का खजाना हमें भीतर है, हम भीतर ही तृप्त हो सकते हैं। अपनी तृप्ति के लिए हमको बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहर किसी आलंबन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरब के संतों की दृष्टि है कि मोक्ष पाने का एक महान अवसर है, और फिर मुक्ति के बाद ये तुम्हारी मर्जी है, आना चाहो आओ, नहीं आना चाहो मत आओ, लेकिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो इस मामले में। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य है। ओशो कहते हैं कि यह जीवन ही है प्रभु। क्या कहना चाहते हैं ओशो, कि समस्त जीवन प्रभु का ही विस्तार है, प्रभु का एक्सटेंशन है। ये समस्त जो ब्रह्मांड है देखते हो, ये समस्त जो अस्तित्व है वही प्रभु है, और जीवन उसी का अंश है। जीवन कोई अलग थलग नहीं है, वह जो विस्तार है, जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का ऐसा ही हिस्सा जैसे समुद्र की बूंद है, जैसे धरती का हिस्सा खेत है, जैसे चादर का हिस्सा सूत है, जैसे पत्ता जो है वृक्ष का हिस्सा पत्ता है, ऐसा ही अस्तित्व रूपी वृक्ष के पत्ते के रूप में हमारा जीवन है। और ये जीवन स्वयं में प्रभु है, क्योंकि ये प्रभु का ही अंश है। इसी तरह हमारे ऋषि कहते हैं, और कहते हैं कि जीवन चरैवेति का दूसरा नाम है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये चलते रहने का नाम, ये चरैवेति ही
जीवन का दूसरा नाम है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब अपने उनका कोई शिष्य एनलाइटेंड हो जाता था, संबुद्ध हो जाता था, तो उसके कान में जाते समय कहते थे कि बुद्ध क्या कहते थे, चरै वेति। क्या अर्थ हुआ कि ये बुद्धत्व कोई पूर्ण विराम नहीं है, तुमको चलते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि बुद्धत्व का भी विकास है, बुद्धत्व की भी खिलावट है, बुद्धत्व की खुशबू फैलती रहती है। तो ये बड़ी बात है पूरब की कि चरै वेति, चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। उसी तरह से आर सी प्रसाद सिंह आगे कहते हैं कि रुक जाना ही मर जाना है, जीवन यह झरकर कहता है। कहता है असली मृत्यु तो रुक जाना है, जैसे सूरज चलता रहता है, पृथ्वी चलती रहती है, सारे ग्रह नक्षत्र चलते रहते हैं, ऐसे ही जीवन भी चलता रहता है। आनंद गीता में हमने लिखा है कि सब और वही है खेल रहा, तुम व्यर्थ परेशान होते हो, हर हार जीत उसकी है, तुम नाहक शर्मिंदा होते हो, खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन, अथ क्रीड़ा शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। उस विराट लीला का, उस विराट रास का जीवन एक हिस्सा है। और सच्ची बात तो यह है कि हमारे भीतर बैठकर प्रभु खेल खेल रहा है, खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन, के राम बन करके वही खेल रहा है, रावण बन के वही खेल रहा है, रावण बन करके वही सीता को चुराता है, और राम बन करके वही रावण का संहार करता है। जैसे कुछ लोगों को तुम ताश खेलते हुए देखते होगे, इधर से भी पत्ता वही फेंकते हैं और दूसरी पार्टी बन करके भी पत्ता वही फेंकते रहते हैं। इसी तरह जीवन के माध्यम से प्रभु ही खेल खेल रहा है, हमारा जीवन केवल एक माध्यम है, असली खिलाड़ी जो है वो परमात्मा स्वयं है। इसलिए ऋषि कहता है कि जीवन एक लीला है, खेल है, क्रीड़ा है, इसको गंभीरता से नहीं लेना है, बल्कि जीवन को एक खेल की तरह लेना है और प्रसन्नतापूर्वक इस खेल में भाग लेना है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। और मैं समझता हूँ जीवन की सुंदरतम परिभाषा अगर किसी ने दी है तो ओशो ने दी है कि जीवन एक उत्सव है। लेकिन उत्सव को ठीक से समझना, जो उत्सव है क्या, ब्रह्म से मिलन की अनुभूति का नाम उत्सव है। तो प्रकारांतर से ओशो पूरब के संतों की दृष्टि को ही स्थापित कर रहे हैं कि जिसमें पूरब का संत कहता है, दार्शनिक कहता है कि जीवन मोक्ष का एक अवसर है, उसी को नया शब्द ओशो दे रहे हैं कि जीवन एक उत्सव है, अर्थात ब्रह्म से मिलन का एक अवसर है।